हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक माय चैनल लव ब्यूटी ऑन ड्यूटी। सो फ्रेंड्स, मैं सुमन और मैं आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हेम पुष्पा सिरप के बारे में, जो कि महिलाओं की खास पीरियड संबंधी समस्याओं के लिए बनाया गया एक आयुर्वेदिक सिरप है। सो मेरा आज का वीडियो पूरी तरह से महिलाओं के लिए है। मेरा आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि हेम पुष्पा के क्या यूज़ है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं और किस तरीके से आपको इसे यूज़ करना है। सो सबसे ज़्यादा अगर हेम पुष्पा का यूज़ जिन महिलाओं के द्वारा किया जाता है या फिर जिस प्रॉब्लम में इसका यूज़ किया जाता है, वो है एनिमित पीरियड्स प्रॉब्लम। एनिमित पीरियड्स प्रॉब्लम यानी कि पीरियड्स का खुलकर ना आना, कभी पीरियड्स का ज़्यादा आना, कभी कम आना, या फिर कभी बिल्कुल भी नहीं आना, या फिर पीरियड्स में दर्द होना। तो इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए हेम पुष्पा काफ़ी अच्छे से ट्रीट करती है। इसके अलावा आपके खून की कमी होना, भूख नहीं लगना, चिड़चिड़ापन, गर्भाशय संबंधी जो भी समस्याएं, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से आप थकान महसूस कर रहे हो, तो उन सभी प्रॉब्लम्स में आप हेम पुष्पा का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा महिलाओं में हार्मोन इनबैलेंस होते रहते हैं, जिसकी वजह से फेस पे पिंपल्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर फेस पे बाल निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर बॉडी पे बाल निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, सर के बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उन सभी प्रॉब्लम्स में भी आप हेम पुष्पा का यूज़। सो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसकी पैकेजिंग के बारे में। और इस तरीके की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आपको ये सिरप मिलेगा और किसी भी मेडिकल स्टोर पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा। अब हम बात करेंगे इसके ऊपर जो मेंशन किया है उसके बारे में। हेम पुष्पा महिलाओं का स्वास्थ्य रक्षक व गर्भाशय संबंधी टोनिक, कमर पेड़ू व नलों का दर्द, खून की कमी, भूख नहीं लगना, मानसिक और शारीरिक थकान, बेचैनी, हथेली व तलवों की जलन व अन्य स्त्री स्वास्थ्य संबंधी समस्त समस्याएं दूर करने में सहायक, महिलाओं को स्वास्थ्य बनाकर चुस्ती एवं ताजगी प्रदान करने, रक्त साफ करने एवं सौंदर्य निखारने में सहायक। अब हम बात करेंगे इसके अंदर कौन कौन से ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट डाले गए हैं। तो यहाँ पे इसने बहुत सारे इंग्रेडिएंट की लिस्ट दी हुई, कुछ इंग्रेडिएंट मैं आप लोगों को बताती हूँ रीड करके, जैसे लोट्रा, मंजिस्टा, कोडिफोलिया, अनंत मूल, अशोक और संघ पुष्पी, तो इस तरीके के गोखरू, इस तरीके की इसमें काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट डाले गए हैं। टोटल जितने भी इंग्रेडिएंट इसमें डाले गए हैं सारे के सारे 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट डाले गए हैं, किसी भी जड़ी बूटी से कम नहीं है। इतने कमाल के इंग्रेडिएंट इस सिरप के अंदर डाले गए हैं, इसीलिए 100 में से 90 महिलाओं का यूज़ किया जाने वाला ये भरोसेमंद सिरप है। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी की। इसकी आपको प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलेगी 170 ml और प्राइस है इसका 246 और सेल्फ लाइफ इसकी 2 ईयर्स। चलिए अब हम इसको ओपन करके देख लेते हैं कि इसकी इनर पैकेजिंग और किस तरीके की है। तो इस तरीके की कांच की बोतल में आपको ये सिरप है वो मिलता है, इस तरीके की कांच की बोतल में। एंड इसके साथ में आपको दी जाती है ये 24 टैबलेट पे आती है, जो कि 12 दिनों की टैबलेट है। आपको 2 टैबलेट दिन में लेनी है खाना खाने के बाद में, दोपहर में खाना खाने के बाद में लेनी है 1 टैबलेट, आपको 1 टैबलेट आपको शाम को खाना खाने के बाद में लेती है। सेंट वैसे ही आपको ये सिरप भी लेनी है खाना खाने के बाद में, 1 टक्कन खाना खाने के बाद में दोपहर में और 1 टक्कन खाना खाने के बाद में शाम को लेनी है आपको। एंड इसके साथ में आपको मिलती है एक यूज़र गाइड, जिसने सब कुछ मेंशन किया हुआ है, सब कुछ इसमें दिया हुआ है हिंदी में एंड इंग्लिश में। तो जब भी आप इसको परचेज़ करने जाओ तो अच्छे से आप इसको रीड कर सकते हो, उसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है। तो एंड इसके ऊपर दिया हुआ है कि अगर वैसे आप अगर नॉर्मल प्रॉब्लम है तो आप सिर्फ इसको ले सकते हैं, लेकिन बेटर रिजल्ट अगर आप चाहते हो तो इसका इसके साथ में इस टेबलेट का भी आप सेवन कीजिए। तो चलिए हम बात करते हैं कि गर्भावस्था के दौरान इस सिरप को लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो गर्भावस्था के दौरान एक लेडी को बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, लाइक वॉमिटिंग होना, जी घबराना, या फिर खून की कमी होना, पेट में दर्द होना, शारीरिक रूप से या फिर मानसिक रूप से थकान महसूस करना, तो उन सभी प्रॉब्लम्स में महिला इस सिरप को ले सकती है। ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ एक प्रोडक्ट है जो कि किसी भी रामबाण से कम नहीं है। एंड इस तरीके की प्रॉब्लम में, जो भी महिलाओं से रिलेटेड इस तरीके की प्रॉब्लम में, अगर आप इस सिरप को लॉन्ग टाइम तक भी लेते हो तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट आपको देखने का नहीं मिलेगा। सो गाइस, आई होप यू कि मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। सो मेरा आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।